मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आज इस ऐतिहासिक नगरी करण नगरी करनाल में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, श्री अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा सरकार, विधायक एवं अध्यक्ष एफएड श्री कैलाश भगत जी, डेयरी प्रसंघ के चेयरमैन श्री रणधीर सिंह जी, श्री उकम सिंह भाटी जी, अध्यक्ष हरको बैंक, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी सहकार भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज माननीय अमित शाह जी ने हमारे विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके शुभारंभ और उनके शिलान्यास के लिए जो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके दिया, इसके लिए मैं माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से माननीय अमित शाह जी जब भी हरियाणा में आते हैं तो लोगों में एक नया जोश और नया एक विश्वास पैदा होता है और एक आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होता है। लोग कहने लग गए हरियाणा में तो कि उत्साह का दूसरा नाम अमित शाह है, क्योंकि जब भी आते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे खासकर जो सहकारिता विभाग हरियाणा के अंदर एक निर्जीव डिपार्टमेंट था, माननीय अमित शाह जी के सहकारिता मंत्री बनने के बाद एक नया जोश हमारे इस कोऑपरेटिव विभाग में आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये पिछले 8 साल से सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी जो फेडरेशन हैं, जैसे हमारा हैफेड का फेडरेशन है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की एजेंसी है। और हमारा बासमती का जो पिछले 2 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो उससे काफ़ी 20,000 पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया 20,000 टन और 65,000 टन इस साल हमने एक्सपोर्ट किया है, तो काफ़ी मात्रा में हमने चावल का भारत एक्सपोर्ट किया है। और आज ये जो एक्सपोर्ट हाउस का माननीय अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस एक्सपोर्ट हाउस बनने के बाद हमारे इस एक्सपोर्ट को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह हमारे जो 3-4 महीने पहले माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में सभी प्रदेश के मंत्रियों की, सहकारिता मंत्रियों की और सचिवों की बैठक बुलाई थी और उसमें दिशा निर्देश दिए थे कि भाई हर गांव में पैक्स खोली जाएं और पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट किया जाए। और जो हमारी दूसरी योजनाएं हैं उनको भी इनमें लागू करके, इनको घाटे का जो हमारी पैक्स घाटे में, इनका ऑडिट करके इनको सबको कंप्यूटराइज किया जाए, तो हमारा कंप्यूटराइजेशन का सभी पैक्सों में काम चल रहा है। तो मैं माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर हमें दिया और इनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम इस कोऑपरेटिव विभाग को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर बन